सेल्फ कंट्रोल इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मैनेजमेंट वेन वी टीच सेल्फ कंट्रोल टू स्टूडेंट्स वी मेक श्योर दैट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स आर अवॉइड सेल्फ कंट्रोल जो है वो सोशल स्किल स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को सिखाता है और उनको प्रिपेयर करता है कि वो एक लार्जर ग्रुप में एक बेहतर तरीके के साथ बिहेवियर मैनिफेस्टेशन सो सेल्फ कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू हैव and must be taught to the students through different means social skill strategies are extremely important for human behavior and they play a great part in making a student adjust well within the school and then at a larger level in the society later on so it is extremely important that students should be told to avoid disruptive behaviors by taking control on their emotions स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर यह लाजिम है कि उनकी वजह से कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो किसी नुकसान का शिकार ना हो और ये चीज़ जो है ये सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है सेल्फ कंट्रोल जो है ये सिखाना बेहद ज़रूरी है और टीचर्स शुड रीटरेट इट अगेन एंड अगेन दैट थ्रू वन स्टूडेंट द लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द अदर स्टूडेंट शुड नॉट बी हार्म इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को इसकी आगाही दें और इसको एक मजबूत हिस्सा बनाए अपने हाँ स्कूल तो सेल्फ कंट्रोल जो है इट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल करीम अब ये कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप एंड पेयर वर्क एक्टिविटीज स्कूल्स में करा सकते हैं क्लासरूम्स में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो ग्रुप एंड पेयर वर्क एक्टिविटीज जो हैं वो हम देते हैं लेकिन उसमें हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि हम उनको इस तरह दें कि उसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे लर्न टू टेक कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस ग्रुप एंड पेयर वर्क एक्टिविटीज हम ऐसे दे देते हैं कि वी मेक स्टूडेंट सीट अराउंड अ टेबल बट दे कीप डूइंग इंडिविजुअल वर्क उसमें फिर सेल्फ कंट्रोल नहीं आता ग्रुप एंड पेयर वर्क एक्टिविटीज जो हैं वो आप ऐसे दें वेयर स्टूडेंट्स दे बिकम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दे विल हैव टू 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 लिसन ईच अदर इन ऑर्डर कंप्लीट अ टास्क दे विल हैव टू लिसन टू ईच अदर एंड गिव ईच अदर

तो उनके ऊपर यह लाजिम हो जाता है कि वो एक दूसरे की बात को सुने एक दूसरे से मशवरा लें और उसके बाद किसी नतीजे के ऊपर पहुंचे तो so, ऑटोमेटिकली जब आप टास्क बेस्ड एक्टिविटीज अपने लेसन्स में लेकर आएंगे तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे विल लर्न हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस हाउ टू टेक कंट्रोल ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट स्पेसिफिकली हेल्प्स स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली टॉकेटिव एंड दो स्टूडेंट्स

और राय देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी इसमें भी वो एक दूसरे को सुनते हैं एक दूसरे का मशवरा लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली दे विल हैव एन इंटरप्ले ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स सो दे विल लिसन टू अदर्स एंड दे विल गिव अदर्स अ प्रॉपर से इसलिए प्रोजेक्ट वर्क भी बेहद अहम है इसके अलावा जो स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स टू टीच सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के जरिए आता है और हमें कोशिश करनी चाहिए डेट वी हैव इवेंट्स इन द स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू टेक कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस एंड पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन डिफरेंट एक्टिविटीज इसके अलावा स्कूल्स में ये बहुत जरूरी है कि री किया जाए असेंबलीज में इन एक्टिविटीज को री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब तक इन मौजुआत की री इन्फोर्समेंट असम्बलीज में नहीं होगी ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना सकते स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर जो प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं दे फो गेट वेरी ईजीली सो री इन्फोर्समेंट ऑफ सच एक्टिविटीज़ आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी सेल्फ कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं